हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल VSM Academy पे, जहां पे मैं आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। तो जो मैं कोर्स स्टार्ट किया हूं बच्चों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, ये मैंने 12th HSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स के, उनका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाला हूँ, वन बाई वन हर एक चैप्टर को वन बाय वन सॉल्व करने वाला हूँ। तो अभी जो सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट किया उससे हमने क्या बोला, उसको डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको याद होगा, आपने मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देखा होगा, तो आपको बेसिक्स मालूम पड़ गया होगा कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा बच्चों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो छोटा सा है, उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर के आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग। सो ये लगभग लास्ट टाइम का आपका बेसिक्स था, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, ज्यादा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका बेसिक्स, एंड उसके बाद मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज दिए थे बच्चों, एंड स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज के बाद मैंने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी आपको एक्सप्लेन किया था। परफेक्ट। तो यू प्लस वी कैसे निकालते हैं, यू माइनस वी कैसे फाइंड आउट करना होता है, यू इंटू वी और यू अपॉन वी रूल, ये सारे के सारे रूल मैंने सिखाए थे। सो अगर मैं बात करूँ यू प्लस वी, सो एक बार यू का डेरिवेटिव, फिर वी का डेरिवेटिव, तो बच्चों यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स dv by dx, एंड इन केस ऑफ u माइनस v आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों du by dx माइनस फिर v का डेरिवेटिव dv by dx। अब आता है u into v रूल, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो बच्चों u into v रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, याद कर लो, जैसा मैं बोलता हूं वैसे याद रखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, मैंने जो बोला वैसा याद करो, वैसे ही सीखोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान लगने लगेंगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ यूवी रूल के बारे में, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब अगर यू मेरा फर्स्ट टर्म है, वी मेरा सेकंड टर्म है, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, तो उस हिसाब से यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अब आता है यू अपॉन वी रूल, तो यू अपॉन वी रूल क्या बोलता है बच्चों, आपका जो डिनोमिनेटर में वी है उसका वी स्क्वायर कर दो, फिर बाद में वही वी आप न्यूमिनेटर में कॉपी करके उसके बाजू में क्या लिख दो, जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ था, यू, लेकिन डेरिवेटिव के साथ में डी यू बाई डी एक्स, और एक बात और बीच में होगा माइनस साइन, क्या होगा बोलो, माइनस साइन, ठीक है बच्चों, फिर बाद में यू इंटू डी यू बाई डी वी बाई डी एक्स। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम सीखी थी, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले बता देना चाहता हूं कि बच्चों जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चल करके मैक्सिमम प्लेसेस पे ये आपको यूज होने वाला है, समझ गए, क्योंकि अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं समझा तो आगे की मैक्सिमम एक्सरसाइज में आप डिफिकल्टी फेस करोगे। तो उसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि बच्चों जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे साथ ही साथ उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, सो दैट कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और उसका जो बेनिफिट है आपको सबसे ज्यादा मिल जाए, समझ रहे हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है बच्चों, और जितना ज्यादा इसको दूसरों तक पहुंचाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, मेरे लेक्चर्स का, मेरे कॉन्सेप्ट का, उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जिनके पास नहीं वो वीडियो ना देखे मेरे भाई, वो भी देख सकते हैं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे देने पड़ते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दैट्स इट, वेरी गुड। वो सलमान खान का तीन मंत्र था ना कि तीन लोगों तक पहुंचाओ, वैसे यहाँ पे भी करना है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। सो आगे का जो न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोजिट फंक्शन सिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन, इट इज आल्सो नोन एज चेन रूल, ओके, इट इज आल्सो नोन एज चेन रूल। किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या किसी ने बोल दिया चेन रूल, बच्चों दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब ये होता है क्या चेन रूल, ध्यान देना, मान लो कि मुझे एक बेसिक सिनेरियो दे रहा हूं मैं, मान लो मैं स्टेशन ए पे हूं और मुझे स्टेशन सी पे जाना है, परफेक्ट। तो स्टेशन पे हूं, स्टेशन सी पे जाना है, बट स्टेशन ए से स्टेशन सी जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, मान लो बी से सी कनेक्टेड है, ठीक है।
सो कहने का मतलब मेरा यह है कि फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, मेरे पास यहां पे क्या बन गया बच्चों, चेन बन गया, बराबर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। और अगर किसी ने पूछा भाई, कोई बंदा आपको पूछता है कि कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आपका आंसर होगा फंक्शन विद इन फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए, जैसे अगर आपने 11th में सीखा होगा सेट्स रिलेशन फंक्शन, जिसके अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम बोलते थे ना एफ ऑफ जी, मतलब फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको लिखते कैसे थे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और अगर मैंने लिख दिया जी ऑफ एफ, तो इसको कैसे लिखते थे बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड, समझ गया। इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, जब कभी भी हम चेन रूल के बारे में बात करेंगे, मतलब हम कंपोजिट फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो होता कैसे, ध्यान दो, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y, ठीक है, ये y एक फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू u, बराबर। और मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है u जिसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि y एक ऐसा फंक्शन है बच्चों जिसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू u, इसको मैं बोलूंगा y इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x। अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, dy by du। और अगर मैं बच्चों u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा तो क्या मिलेगा, du by dx। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने वाला बंदा बोलता है कि भले y का u में है और u का x में, बट जैसे याद देखो यहां पे क्या था, आपको a से c जाना था, भले आपको a से b जाना पड़ा फिर b से c, सिमिलरली आपको y से x जाना है, मतलब आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन y फंक्शन डायरेक्टली x में है क्या, कहीं पर भी y इज इक्वल टू समथिंग x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, समझ रहे हैं बच्चों, यस। सो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y से x जाने के लिए सबसे पहले मैं y से u जाऊंगा, क्योंकि y का u से है रास्ता मेरे पास, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा u से x का। तो ध्यान दो, du du कैंसिल होगा तो dy by dx ही बचेगा ना, यस। सो दिस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे किसके लिए बच्चों, यस हम लोग यूज करेंगे कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल आएगा तो आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। लेकिन ये मैंने आपको रूल बता दिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करें। तो चेन रूल को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में चेन रूल को एकदम यू के फॉर्म में करके सॉल्व करूंगा, लेकिन आगे चल करके बार बार आप यू की हेल्प नहीं ले सकते। अभी तक आपको जो भी मैं बोलूंगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है कम समझे, बट कंफ्यूज मत होना। तो मैं यू के फॉर्म में भी सॉल्व करूंगा और डायरेक्टली भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि आगे चल करके आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल लार्ज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे अगर आप U का हेल्प लोगे तो आप फंस जाओगे, मतलब आप गलती करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो वहां पे आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने का। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, देखो कैसे। सबसे पहले बच्चों मैं बोलना चाहूंगा कि मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, कि अगर किसी ने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले याद है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम का वीडियो देखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया फॉर्मूले याद होने चाहिए, वेरी गुड। टेंशन ना लो, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्या बोलते हैं, जो भी आपका कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में डाउट भेजो, सर इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो उसके लिए। हाँ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन, सबको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन क्या होता है बच्चों, एन इंटू एक्स इज टू एन माइनस वन, क्या बात है, ये तो फॉर्मूला हमको याद ही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्स ना हो करके एफ ऑफ एक्स हो और पावर वही हो, दिख रहा है सबको, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे एक्स था बट यहां पे एक्स के प्लेस पे क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, दिख तो प्रीवियस जैसा ही रहा है, दिख तो पहले जैसा ही रहा है कि भाई एक्स इज टू एन ही है, लेकिन दिमाग लगाओ, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है तो ये फॉर्मूला में क्या बोल रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, होना क्या चाहिए था एक्स रेस टू एन, बराबर है, होना क्या चाहिए था बच्चों एक्स रेस टू एन, बट यहां पे एक्स रेस टू एन है क्या, नो, अगर एक्स रेस टू एन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो घबराओ मत, जिसकी तरह दिख रहा है पहले वो यूज कर लो, ये एफ ऑफ एक्स रेस टू एन किसकी तरह दिख रहा है, एक्स रेस टू एन की तरह। अच्छा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, यही होता है ना फॉर्मूला, यस,
लेकिन यहां पे तो x था और यहां पे x के प्लेस पे कौन है f of x, तो क्या लिखोगे f of x, फॉर्मूला सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि सर अगर ऐसा ही करना था दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, वहां पे x के लिए भी यही कर रहे हो और f of x के लिए भी यही कर रहे हो तो डिफरेंस क्या रह गया। बच्चों डिफरेंस है, जरा रुको भाई सबर करो थोड़ा। तो यहां पे x था और यहां पे f of x है बराबर ना, तो आपने इसको क्या समझा x is to n समझा, मतलब इस f of x को आप x मान के चल रहे हो तभी आपने निकाला x is to n। बट ये एक्चुअल में x है क्या? नहीं, ये एक्चुअल में x नहीं है। और डेरिवेटिव का रूल होता है, क्या होता है रूल, कि अगर कोई चीज x ना हो और आपने उसके अंदर डेरिवेटिव निकाल दिया है तो उसका फिर से निकालना पड़ता है डेरिवेटिव में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेटिव में अगर आप किसी चीज को किसी भी फंक्शन को x मान के आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो लेकिन वो x नहीं है तो आपको फिर से उसका निकालना पड़ता है डेरिवेटिव। मतलब हम निकालेंगे d by dx of f of x क्योंकि वो x नहीं था, समझ गए? वेरी गुड। अब सवाल उठता है सर कब तक निकाले डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तब तक निकालते रहना है जब तक x ना आ जाए, कंफर्म बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पे, अगर मैं बात करूं d by dx of a raised to f of x बराबर, सॉरी रुक जाओ, यहां पे पहले मैं फॉर्मूला देता हूं उसके बाद इसको यूज करता हूं, थोड़ा जोश में आ जा रहा हूं मैं। a raised to x तो आप लोगों को पता है कि a raised to x का डेरिवेटिव होता है, सबको पता है a raised to x into log a, क्या बात है ये तो हमको पता है। लेकिन अगर x के प्लेस पे कोई फंक्शन हो तो क्या करेंगे, ऐसा कोई बच्चा मुझे पूछा तो मैंने क्या बोला बच्चों, d by dx of a raised to f of x, बेटा हमने यहां पे x के प्लेस पे f of x डाल दिया तो मैं पहले देखूंगा किसकी तरह दिख रहा है, a raised to x की तरह, क्योंकि डेरिवेटिव बोलता है रीड करो और जैसे ही रीड करोगे आपको समझ जाएगा कि इसका डेरिवेटिव क्या निकालना है। मैंने रीड किया a raised to f of x, मतलब ये a raised to x की तरह है। अगर ये a raised to x की तरह है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a raised to x का, तो a raised to x x के प्लेस पे f of x है और फॉर्मूला क्या होता है a raised to x into log a, लेकिन वो x है क्या, वो x है क्या, नहीं है। अगर x नहीं है तो d by dx of f of x उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। और भी आपको बोलता हूं मैं थोड़ा सा, हो सकता है ना दिख रहा हो, हाँ बराबर अब दिख रहा होगा, मेरा फोटो बीच में आ जाता है भाई, कंफ्यूज मत होना, मेरा फोटो बीच में आ गया तो मैं जो बोलता हूं उस पे ध्यान दो। थर्ड वन d by dx of, अगर मैं पूछूं root of f of x, नहीं रुक जाओ फिर से जोश में आ गया मैं, अरे रे इतना जोश आता कहां से है, हाउस जोश वाला लगता है मुझे, मूवी फिर से देखना पड़ेगा। ओके सो बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या बात है इजी क्वेश्चन लग रहा है। अब किसी ने पूछा d by dx of root of, मैं x के प्लेस पे डाल रहा हूं फंक्शन, आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या आने वाला है, बोलो क्या आने वाला है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ f of x, बट ये x है क्या, नहीं है, तो d by dx of f of x, तो डेरिवेटिव तब तक निकालते रहना है जब तक x ना आ जाए, समझ रहे बच्चों। चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, तो मैंने फॉर्मूला सिखा दिया ना भाई, अब एक दो एग्जाम्पल देख के समझाता हूं, नहीं तो बोलोगे सर तो फॉर्मूला बता रहे हो एग्जाम्पल बता ही नहीं रहे, बहुत बड़े शाणे बन रहे हो, कोई नहीं मैं हूं ना बच्चा, देखो यहाँ पे तो d by dx of, बहुत एग्जाम्पल बेसिक दे रहा हूं, मान लो मुझे दिया है 2x square plus 3, ओके पावर 5 दिया है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखा भाई मेरे को पावर 5 का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, अगर पावर 2 होता तो मैं a plus b का स्क्वायर लगा देता, पावर 3 होता तो a plus b का क्यूब लगा देता, तो पावर 5 आ गया, इतना बड़ा तो मेरे पास दिमाग है ही नहीं, तो मैं क्या देखूंगा रीड करूंगा, जैसे ही मुझे पावर दिखता है ध्यान से देखना सब लोग, ओके जैसे ही मुझे पावर दिखता है मैं समझ जाता हूं कि ये मेरा x raised to n वाला क्वेश्चन है, बोलो कौन सा क्वेश्चन है, x raised to n वाला, लेकिन ये तो x है ही नहीं, x के प्लेस पे क्या है बोलो, ये नीला वाला देख लो सब लोग, 2x square plus 3 है, अरे बाप ये क्या कर दिया इसने, ये तो 2x square plus 3 है, मतलब ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा f of x raised to n हो गया ना, तो सॉरी तो फॉर्मूला तो सेम ही होने वाला है, फॉर्मूला मतलब क्या कि मैं x is to n का ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। बच्चों x is to n का फॉर्मूला क्या होता है, n मतलब 5, x is to n minus 1, 5 minus 1, अच्छा x के प्लेस पे कौन है, 2x square plus 3 है, बट वो x है क्या, नहीं, तो जो चीज x ना हो तो उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट 2x square plus 3 का फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो यहां पे 5 कॉपी कर रहा हूं बच्चों, देन
2x का उसी स्टेप में लिखना, सेम स्टेप में ही, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया फिर नेक्स्ट स्टेप में d by dx of 2x square plus 3 लिख रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात। 2x square plus 3, 5 minus 1 होता है 4, और बाद में मैं लिखूंगा d by dx of 2x square plus 3। अब ध्यान देना, अब ये तो आपने 11th में सीखा हुआ है ये बेसिक डेरिवेटिव, तो कॉपी करो, x square का डेरिवेटिव मैंने सिखाया हुआ था 2x होता है, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 5 कॉपी कर दिया, 2x square plus 3 raised to 4 कॉपी कर दिया, और ये क्या हो जाएगा आपका 4x, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5 4s are 20x into 2x square plus 3 raised to 4। देखा कितना आसान है आसान, बट भाई डिफिकल्ट आप बनाओगे जब आप सीखोगे नहीं अच्छे से ना। एक दो और एग्जांपल देता हूं मैं, चलो दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं, देखते हैं किसको आता है। d by dx of मैं लेता हूं रूट एक्स वाला, ठीक है, रूट ऑफ 3x raised to 4 plus 5x plus 2। अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे ही ये क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव में अगर ज्यादा कंफ्यूज हो तो रीड करो, तो मैं रीड करता हूं रूट ऑफ, जैसे रूट बोला मेरे दिमाग क्या आएगा, ये तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है कि नहीं, उसके बाद क्या रीड करूंगा 3x raised to 4। देखो जिस सिक्वेंस में रीड करते हो उसी सिक्वेंस में डेरिवेटिव निकालना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, जिस सिक्वेंस में रीड करोगे उसी सिक्वेंस में निकालना है डेरिवेटिव। मैं रीड करता हूं रूट ऑफ 3x raised to 4 प्लस 5x प्लस 2, मतलब आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले रूट का निकालोगे डेरिवेटिव, उसके बाद 3x raised to 4 का, उसके बाद 5x का, फिर 2 का, समझ गए, बहुत इजी है, बट करेंगे कैसे, मैं रूट का अप्लाई करते हैं, तो रूट को जब मैं निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, तो रूट क्या बोलता है, भाई मेरे को सिर्फ पता है रूट एक्स के बारे में, ज्यादा नहीं पता, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रूट एक्स के बारे में पता है ना, तो बता रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलेगा 1/2 रूट एक्स, मैं लिख दूंगा 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या मैं मान के चल रहा हूं 3x raised to 4 plus 5x plus 2, बट बच्चों ये x है क्या, ये तो x नहीं है ना, ये तो 3x raised to 4 plus 5x plus 2 है, तो जो चीज x ना हो डेरिवेटिव में फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, तो क्या लिख देंगे d by dx of 3x raised to 4 plus 5x plus 2, समझे आप सभी लोग, वेरी गुड, सो 1/2 रूट x, बट ये x नहीं था तो d by dx of this one, now write 1/2 as it is square root of 3x raised to 4 plus 5x plus 2, हमने कॉपी कर दिया into, अब निकालते हैं डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, लेकिन बच्चा ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट रहेगा तो उसको जीरो मत कर देना, जोश में आगे सर ने बोला था कांस्टेंट है तो जीरो लिखना होता है, भाई कांस्टेंट अकेला है तो जीरो लगता है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, तुम तुम्हारे फादर के साथ आओ तो मैं तुम्हें लाफा नहीं मार पाऊंगा गलती करने के बाद ज्यादा, ठीक है, लेकिन अकेले आगे तो ढूंढ दूंगा अच्छे से, समझ रहे हो, तो वैसे ही बेचारा कांस्टेंट अकेला आएगा तो ढूंढ दिया जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ में आता है, मतलब अपने बाप के साथ आया है, उसको टच भी नहीं कर सकते, तो उसी लिए बोल रहा हूँ 3 को आप कॉपी करो कांस्टेंट को, अपने बाप के साथ है, उसका बाप कौन है, x to 4, so what is the derivative of x to 4, ये तो x to n की तरह है, तो 4 into x to 4 minus 1 plus 5, बच्चों x का derivative 1, और अकेला कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0, तो चलो फटाफट लिख देते हैं 1/2 into square root of 3x raised to 4 plus 5x plus 2 into 3 4s are 12, x raised to हो जाएगा 3 plus 5, अब इसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दो, आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 12x raised to 3 plus 5 whole divided by 2 into square root of 3x raised to 4 plus 5x plus 2, देखा आपने, तो कितना आसान है ये, लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो सीखते नहीं है, समझ रहे आप लोग, तो लगभग मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज, देखो भले ही ये लेक्चर आपका लेंदी होगा, मैं बोल देना चाहता हूँ लेक्चर लेंदी हो जाएगा, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेक्चर लेंदी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर सीखना इंपॉर्टेंट है भाई, एक घंटे का वीडियो है तो एक घंटा आप निकाल सकते हो, लेकिन गारंटी मैं देता हूँ ये घंटा अगर आपने अच्छा सीख लिया तो अगला मिनट आपको यूज नहीं होगा सीखने के लिए, मतलब आप इस गए घंटे में ही पूरा का पूरा सीख लेने वाले हो। चलो मूव करते हैं आगे हम लोग अगले पेज पे,
और जब वहां पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारा एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। मेरे पास बाजू में प्रेस बुक रखी है इसलिए मैं साइड में देख भी रहा हूं, ठीक है, कि बुक तो बिना बुक लिए मैं कैसे करूंगा। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। इफ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है। अब मुझे इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो मैं अब सीखूंगा, क्या सीखूंगा कि मेरे सर ने क्या बताया। मेरे सर ने बोला था कि जब कभी भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा उसे रीड करो, रीड करता हूं मैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब रूट का निकालना है डेरिवेटिव पहले, तो रूट ऑफ के बाद क्या बोलोगे, रूट ऑफ x, फिर x का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन x, फिर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव। तो ये सीक्वेंस में रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, तो पहले रूट का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड, ओके। सो स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले जब कभी भी आप डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट लिख दो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बोलोगे सर आपको कैसे समझा कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो उसने स्टार्टिंग में बोला था फाइंड dy by dx, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ गया ना। तो dy by dx का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए मैं यहां पे x लिख रहा हूं। तो जैसे आप लिखते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखोगे दोनों साइड बच्चों, क्या लिखोगे, d by dx, डिफरेंशिएट मतलब d, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, क्लियर, किसका, y का, फिर d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। नाउ इस d by dx ऑफ y को आप लिख सकते हो d by dx, दैट इज इक्वल टू, अभी ध्यान देना मैं निकालने जा रहा हूं रूट का डेरिवेटिव, तो हमने सीखा हुआ है कि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, ओके। तो x के प्लेस पे कौन है, x प्लस 1 अपॉन x, पर बच्चों वो x है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे, d by dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि वो x नहीं है, अगर x नहीं है, क्योंकि आपने क्या बोला रूट x, मतलब अंदर वाले को x मान के चल रहे हो, अगर अंदर वाला बंदा x नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको x मान के निकाल देंगे डेरिवेटिव, लेकिन बाद में निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, मतलब d by dx of x plus 1 upon x, देखा आपने, बहुत अच्छे। Then dy by dx is equal to 1 upon 2 square root of by x plus 1 upon x, हम कॉपी कर रहे हैं। अच्छा बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई 1 होता है x का डेरिवेटिव, फिर प्लस कॉपी किया, 1 upon x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon x square। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि नहीं, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। चलो आगे जाते हैं हम लोग, सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस, इसको लास्ट तक कॉपी करना है और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते चलो, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, सो देयर कैप सबको दिखता रहे। सो देयर फोर dy by dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा आपका, x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, परफेक्ट। तो इसको अगर आपको साथ में लिखना है तो dy by dx न्यूमरेटर में लिख दो x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर लिख करके स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा आपने, तो है क्या डिफिकल्ट, नहीं है डिफिकल्ट, खामखा आप इसे डिफिकल्ट कर रहे हो, ठीक है। एक दो और एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे समझ आ जाएगा, चलो आगे मूव करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जो आपका सेकंड एग्जांपल है इसका, क्या बोला है हमें, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब ये क्यूब रूट दे दिया बच्चों, तो याद रखना हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, अगर x है तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, तो याद रखना स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी पावर देगा तो पहले उसे प्रॉपर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, कैसे, अब ये क्यूब रूट है ना, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3, अगर यहाँ पे होता 4 तो 1/4 लिखते, अगर यहाँ पे था 5 तो 1/5 लिखते,
अगर यहाँ पे होगा 6 तो 1/6, समझ गए। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपका, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं बच्चा ऑर्डर, ये जो 3 है ना, देखो आपको दिख रहा होगा ये जो बंदा है ना, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। ये ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आती है। तो अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा है मतलब 1/3, 4 लिखा है 1/4, 5 लिखा है 1/5, ठीक है। तो हमने इसको रेस टू 1/3 के फॉर्म में लिख दिया। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं बच्चों, कि यहाँ पे पावर में आ गया। और याद रखना, अगर होल पावर दिया है मतलब बिना कुछ सोचे समझे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है। बोलो किसका फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन का। और यहाँ पे एक्स किसको मान रहे हो आप, ये सही समझा आपने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। तो चलो लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर कॉमा लिखोगे, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ दोनों का पार्ट, तो डी वाई बाय डी एक्स, फिर बच्चों डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/3। नाउ हमने समझ गए कि करना क्या है उसके अंदर, तो डी वाई बाय डी एक्स, ये बेटा आपका एक्स रेज टू एन है, और एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन, एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो 1/3 - 1। बट ये आपका x है क्या, बताओ ये आपका x है क्या, नहीं है ना। अगर वो आपका x नहीं है तो क्या लिखोगे, d by dx of, फिर से डेरिवेटिव, और क्या ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पे भी क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला ना n इंटू एक्स एज टू एन माइनस वन, यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि x नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, चलो आगे मूव करते हैं। सो dy by dx हमने कॉपी किया, 1/3 भी हमने कॉपी किया, a square plus x square में भी कुछ नहीं कर सकते तो कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा 1/3 - 1 क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 3, 1 - 3 - 2, तो हो जाएगा -2/3 into, अब भाई ये a square है, कई लोग के दिमाग में आएगा सर a square का डेरिवेटिव 2a, अरे पागलो दिमाग से सोचो क्या, कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो ना डेरिवेटिव, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो मतलब एक्स के अलावा जो भी मिला कांस्टेंट, तो ए हमारा एक्स है क्या, नहीं ना, तो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो ना। ये मत समझो कि ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हम 2a लिख सकते हैं क्या, नहीं, ऐसी गलती मत करना, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि आप निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। आगे है एक्स स्क्वायर, अब तो लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देखा आपने, बहुत अच्छे। सो dy by dx हमने कॉपी किया, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3 इंटू 0 + 2x, तो व्हाट इज 0 + 2x टू एंड, दैट इज 2x। अब इसको आगे लिख दो, ये हमारा लास्ट स्टेप है हमारा आंसर का, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2x/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3, ये हो गया मेरा आंसर। देखा आपने, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया, क्लियर। सो लगभग हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दो क्वेश्चन, चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अगले क्वेश्चन को करने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो अगला क्वेश्चन मैं लिखा, क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। सो थर्ड हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू, अगेन इजी आप तो कर लोगे मुझे ऐसा लगता है, 5x^3 - 4x^2 - 8x होल रेज टू, देखो मैं बोल रहा हूँ होल रेज टू 9, और होल पावर दिख गया मतलब कौन सा फॉर्मूला, जी हाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5x³ - 4x² - 8x, और पावर का रोल 9, तो एक्स रेज टू 9 हुआ कि नहीं, यस। चलो फटाफट करते हैं इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना कंपल्सरी है। उसके बाद dy by dx is equal to t by dx of, पूरा क्वेश्चन लिखो, 5x^3 - 4x² - 8x whole raised to 9, therefore dy by dx हमने कॉपी किया। बच्चों अब ध्यान देना, मैं इसको x मान रहा हूं, ध्यान से देखो, ओके, इसको मैं x मान रहा हूं और इस पावर को n मान रहा हूं, तो ऐसा करने की वजह से एक्स एस टू एन का फॉर्मूला है, और एक्स एस टू एन का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, एन इंटू एक्स एस टू एन माइनस वन, एन मतलब 9, एक्स कौन है वो, 5x³ - 4x² - 8x रेज टू 9 - 1, बट ये एक्स है क्या,
नहीं, तो क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। देखा आपने, ब्रैकेट देना कंपलसरी है। चलो सिंप्लीफाई करें। देखा आप धीरे धीरे सीख रहे हो, अभी भी डाउट है तो मुझे बोलो, मैं आपको अलग से कुछ चीजें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है? यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो मुझसे। तो 5x^3 माइनस 4x² माइनस 8x रेस टू 9 माइनस 1 क्या होगा बच्चों? 8। अब यहां पे निकालते हैं डेरिवेटिव। तो 5 तो है कांस्टेंट अकेला, तो x^3 का क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 4 है कांस्टेंट इनटू x² का डेरिवेटिव था 2x। देखो x^3 का डेरिवेटिव 3 इनटू x^3 माइनस 1 दैट इज 2 आने वाला है, इसमें डायरेक्टली कर दे रहा हूं। माइनस 8 कांस्टेंट है बच्चा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। देखा आपने, अब सिंपलीफाई कर देते हैं इसको हम लोग। सो dy by dx इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 5x raised to 3 माइनस 4x² माइनस 8x raised to 8। चलो फटाफट करो इसको, 5 3 जा 15x² माइनस 4 2 जा 8x माइनस 8। अब इसको मैं आगे लिख देता हूं ना, तो छोटे लोग को आगे लिखना है, बड़े लोग को पीछे लिखना है। तो 9 छोटा है सबसे, उसको पहले लिखो, फिर 15x² माइनस 8x माइनस 8, ठीक है? वेरी गुड। एंड उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा आपका? 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। सो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखा आपने, है तो इजी जहां तक मुझे भी लगता है। चलो आगे मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, ठीक है? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। सो जो आगे का क्वेश्चन है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास बुक भी होगी, आप देख भी रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे सॉल्व कर दिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला है, dy by dx, find dy by dx। चलो फर्स्ट करते हैं। तो क्या दिया यहां पे? y is equal to log of log x, ठीक है? अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अलग मतलब कुछ अलग नहीं, फॉर्मूला अलग आ गया और कुछ नहीं। तो करना कैसे? चलो रीड करो सब लोग। log of, पहले log बोल दिया मतलब log का डेरिवेटिव, उसके बाद log x, फिर से log x का डेरिवेटिव, समझ रहे हो? तो यहां पे दो बार log x का डेरिवेटिव निकालना है, बट कैसे वो देखो सब लोग। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? यस बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, log ऑफ log x। अब जरा ध्यान देना, जब मैं रीड करता हूं तो log ऑफ आता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है log x का? 1 अपॉन x। बोलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। तो मैं क्या समझूंगा इसको? ये मेरा log है और ये मेरा पूरा x है, तो log x, समझ रहे? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको मैं पूरा x मान के चलो, क्योंकि पहले वाला log है ना, तो आगे वाला जो भी रहेगा पूरा x का फॉर्म रहेगा। तो बेटा log x, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x। तो x के प्लेस पे कौन है? यस log x है, बट वो x है क्या? नहीं, d by dx ऑफ log x। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सो log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग, सो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन समथिंग, बट वो समथिंग x है क्या? नहीं, तो समथिंग x नहीं है, तो क्या करेंगे? उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो d by dx ऑफ समथिंग। अब यहां पे समथिंग का रोल कौन प्ले कर रहा है? log x। देखा आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ओके? 1 अपॉन log x इनटू, अब देखो log x परफेक्ट, ये log x का ही है, तो log x का 1 अपॉन x हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं लिख दूंगा dy by dx is equal to 1 upon x into log x। देखा आपने, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों? वेरी गुड, ठीक है। सो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि स्पेस तो मुझे लग रहा है, बट चलो ठीक है, मैं नीचे ही करता हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि y is equal to आपको दिया है log of, आप कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे दे दिया 10 into x raise to 4 then plus 5 into x raise to 3 minus 3x square plus 2। कोई बात नहीं, आप समझ गए क्या करने वाला है, मैं क्या रीड करूंगा? y is equal to log of something, ये जो मेरा something है वो किसका रोल प्ले करेगा बच्चों? यस, वो प्ले करेगा x का रोल। तो मैं क्या समझ जाऊंगा? log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, 1 अपॉन x।
सो फर्स्ट से पहले क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, लॉग ऑफ 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। आई थिंक यहां समझ गया। चल तो log ये पूरा मेरा x है, जो भी एक्सप्रेशन को मैं x मान के चल रहा हूं। तो log वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x, x यहां पे कौन है, 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। बट ये x है क्या, नहीं, तो निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। रूल तो यही बोलता है ना, हाँ जी, प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखो कितना आसान लग रहा है बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम में। इसके ऊपर मैं फिक्स बोलता हूं कि 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से सीखो। तो हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, दिस इज 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 हमने कॉपी किया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 भी हम कॉपी कर रहे हैं। अब चलो आगे निकालते हैं डेरिवेटिव। ये जो 10 है कॉपी किया, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा x रेज टू n, जो कि हो जाएगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो 4 इंटू x रेज टू 4 माइनस 1 जो कि होता है 3, प्लस 5 के केस में x रेज टू 3 के केस में क्या हो जाएगा, 3 इंटू x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 3। बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे इंटू है जो 2x, और प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, दिख ही रहा होगा मुझे यहां तक लगता है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो सिंपलीफाई करते हैं, लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं बच्चों, dy / dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फटाफट करते हैं। सो 10 4 जा 40, x रेज टू 3 प्लस 5 3 जा 15, x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, बस खत्म हो गया। और क्या चाहिए, तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में लिख दो, राइट। तो कैसे लिखोगे बोलो, dy / dx इज इक्वल टू 40 x रेज टू 3 प्लस 15 x स्क्वायर माइनस 6x होल डिवाइड बाय 10 x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। देखा आपने, तो है बड़ा आसान, है बड़ा इजी। इसी तरीके से हम लोग आगे के सम्स भी करते हैं। चलो आगे के क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी लॉग वाला क्वेश्चन है यार, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो ये तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है बोलो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई कंफ्यूज नहीं होना, एबीसी कॉन्स्टेंट है। तो अगर तो शॉर्टकट में से फटाफट करते हैं। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy / dx, फिर dy dx ऑफ log ऑफ, देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज रहो कि सर एबीसी आ गया कैसे करूं। अरे भाई नंबर आए, एबीसी आए से क्या फर्क पड़ता है। तो dy / dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट ये x है क्या, नो, तो d / dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है। चलो सो dy / dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमने कॉपी किया इनटू, बेटा a कॉपी करो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर b कॉपी करो x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट तो हो गया 0, तो c लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बात खत्म। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बोलो क्या आएगा, dy / dx की वैल्यू 2ax plus b होल डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx plus c। थोड़ा मैंने फास्ट किया इसको क्योंकि आपने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया सेकंड वाला, तो मुझे नहीं लगता कि इस थर्ड वाले में इतना डिफिकल्टी होगी, समझ गए, बहुत अच्छे। सो ये हमने लगभग ये कर दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। अब ये थर्ड है क्या, थर्ड में भी निकालना है dy / dx। बोलोगे क्या सर सब तो एक ही है, फाइन डीवाई बाई डी एक्स इफ, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग फंक्शन आया। जैसे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू e रेज टू, यहां पे एक्सपोनेंशियल आ गया 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो बच्चे ये मेरा क्या दिख रहा है,
y is equal to e raise to x, अगर ये y is equal to e raise to x, तो सबसे पहले सीखते हैं कि e raise to x का डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे इजी है कि e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x ही होता है, लेकिन अगर कोई x ना हो तो उसका निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, बस बात खत्म। जो अभी आपने किया वही इसके साथ भी करो। चलो चलो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर क्या मिलेगा बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ, कभी कभी गाने भी गाने लगता हूं मैं, पता नहीं क्या हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना मेरी गलतियों को। चलो बच्चों आ जाओ फटाफट, dy by dx, ध्यान कहीं नहीं देना चाहिए प्लीज, पूरा का पूरा ध्यान इसी स्क्रीन पे। चलो e raise to x, रीड करो उसको, e raise to 5x square minus 2x plus 4, so ये मेरा पूरा x का रोल प्ले कर रहा है, e raise to x, बताओ e raise to x का डेरिवेटिव क्या होता है, yes, e raise to x का डेरिवेटिव होता है e raise to x, that means 5x square minus 2x plus 4, but जिसको हमने x माना था वो x है क्या, no, तो d by dx of 5x square minus 2x plus 4, देखा आपने कितना आसान था, बहुत अच्छे। तो dy by dx is equal to e raise to 5x square minus 2x plus 4 into 5 as it is, बच्चा x square का derivative 2x, तो आप bracket डाल दो, minus 2 as it is, x का derivative 1 और plus 4 constant है, उसका derivative क्या होता है 0, तो in short मैं क्या मिलने वाला है मुझे, dy by dx is equal to, अभी देखो ये 5 2 is 10x minus 2, तो मैं आगे लिख देता हूं 10x minus 2 और बाद में इस e raise to 5x square minus 2x plus 4 को कॉपी कर, ये मेरा फाइनल आंसर है, समझ गए, तो आसान था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, कुछ परेशान नहीं करेगा, मैं हूं ना, यस, सो y इज इक्वल टू, अभी हमने बोला था e raise to, अभी आएगा a raise to 1 plus log x, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, 1 plus log x, तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर देख लिया, मतलब ये मेरा याद है ना a raise to x, क्योंकि a तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के अलावा जो भी मुझे राइट लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिखा वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे a किसका रोल प्ले कर रहा है, कांस्टेंट का, ये बच्चों किसका फॉर्मूला बनने वाला है a raise to x, क्योंकि ऊपर वाले को मैं x बोल रहा हूँ, राइट, अगर वो a raise to x का फॉर्मूला बनने वाला है, सॉरी गलती हो गई इस पे, सॉरी, हाँ अगर वो a raise to x का फॉर्मूला बनने वाला है, तो याद करो a raise to x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस बोलो बोलो, हाँ a raise to x का डेरिवेटिव होता है a raise to x into log a, तो वैसे यहां पे भी करने वाले हम लोग, ठीक है, सो क्या बोलेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx, HSC के जो भी बच्चे हैं प्लीज प्लीज स्टार्ट करो ये सारे वीडियोस देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। चलो dy by dx is equal to dy dx of a raise to 1 plus log x, so therefore dy by dx is equal to a raise to x का डेरिवेटिव a raise to x, तो a raise to 1 plus log x into log a, भूल मत जाओ भावनाओं में, 1 plus log x का डेरिवेटिव निकालना बाकी है, yes, कुछ लोग लिख देते हैं बट 1 plus log x का निकालना भूल जाते हैं डेरिवेटिव, so a raise to x का डेरिवेटिव a raise to x into log a into d by dx of जो मेरा x था 1 plus log x, तो dy by dx हमने कॉपी कर दिया, a raise to 1 plus log x भी कॉपी कर दिया, into log a को भी हमने कॉपी किया है, बताओ 1 का डेरिवेटिव, जी हां 0, क्योंकि 1 is constant, constant का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 upon x, खत्म, आगे कुछ नहीं करना है, finished, तो dy by dx, अभी मैं ये जो 1 upon x उसको आगे लिख देता हूं, so 1 upon x आगे लिख दिया बच्चों मैंने, into a raise to 1 plus log x into log a, क्योंकि 0 plus 1 upon x होता है, खत्म, हो गया, देखा आपने कितना आसान था ये, खामखा आप इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रहे थे। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और लास्ट पार्ट है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कि y is equal to 5 raise to x plus log x, चलो सेम चीज, यहां पे a ना देकर के 5 दे दिया, बट है तो वही नेचर ना, a raise to x का ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, और a raise to x का फॉर्मूला क्या होता है, a raise to x into log a, so a raise to x into log a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट बोलो, पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएट
with respect to x, therefore dy by dx is equal to d by dx of 5 raised to x plus log x. चलो therefore क्या हो जाएगा dy by dx 5 raised to बोलो क्या हो जाएगा x plus log x बाद में log 5 क्योंकि a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a, बट ये x है क्या बोलो बच्चों, ये x है क्या, नहीं है ना, तो लिखो ना उसका फिर से डेरिवेटिव, क्या सोच रहे हो, x plus log x d by dx of, therefore dy by dx as it is 5 raised to x plus log x, कॉपी करो भाई into log 5 कॉपी कर लो into, बचाओ बताओ बच्चों कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और x क्या होता है 1 upon x, चलो खत्म, चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 raised to x plus log x into log 5 into क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x plus 1 whole divided by x, that's it, खत्म, आगे लिख दो इसको फटाफट, ये लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं, dy by dx, so x plus 1 divided by x into 5 raised to x plus log x into log 5, okay, so this is my final answer. So, लगभग बच्चों हमने 3.1 के टोटल तीन मेन क्वेश्चन थे, जिसमें तीन तीन क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, राइट, सो जहां तक मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसानी वे से इसको सिखाया है और आप उसे सीख भी गए होंगे, अगर आप इसे सीख गए हो तो फटाफट एक नोटबुक बनाओ और स्टार्ट कर दो इसको लिखना, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों, एंड बिना देखे प्रैक्टिस करो, इनकेस कहीं ना किसी स्टेप में अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है तो आप वीडियो का वो स्टेप देख लो, उसके बाद फिर से बिना देखे करने की कोशिश करो, तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखो, समझो मैंने क्या सिखाया हुआ है, और सीखने के बाद आप आपकी जो भी नोटबुक होगी, एक 200 पेज की नोटबुक, 300 पेज की जो भी बनानी है बनाओ, एक मैथ्स 1 के लिए और एक मैथ्स 2 के लिए, मैथ्स 1 के चैप्टर को मैथ्स 1 पे लिखना है, मैथ्स 2 के चैप्टर को मैथ्स 2 पे लिखना है, ठीक है, ये पूरा कोर्स मैं फिनिश करूंगा एनी हाउ कैसे भी करके, ठीक है, उसके लिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आसानी से क्वालिटी लेक्चर दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि किसी और लोगों की तरह उल्लू बनाऊंगा, नो, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही जेन्युइन चीजें रहेंगी, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स है मतलब ध्यान देना, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पूरा कोर्स लेके आया हूं, तो बच्चों ट्रस्ट करो, एंड फिर से मैं बोल देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, लाइक बटन प्रेस करो, शेयर करो अपने दोस्तों में जहां तक जितना हो सके पॉसिबल, ओके, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे तो आपको इसका, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आपको इसका लिंक सबसे पहले मिलेगा, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आपसे मैं विदा लेता हूं।